कपड़ा जो डालेंगे इयरिंग के नीचे डालेंगे, ठीक है। और ये फिल्टर दिया गया है आपको, 3 महीने में 4 महीने के बाद साफ करना है। सरफ जो डालेंगे आप यहाँ डालेंगे आप। ये क्या है, किसके लिए दिया गया है? ये रिंस के लिए दिया गया है, रिंस के लिए। एक तो आपका कम्फर्ट लिक्विड आता है ना, तो कम्फर्ट लिक्विड यहाँ डालेंगे आप। ये आपका हाँ, तो ये सरफ मिलेगा, ये आपका पानी में, ये आपका रिंस मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपका ये ऑप्शन है नहीं, प्लेन है, ठीक है, बाद में देख लेंगे अभी। और कपड़ा जो डालेंगे 3 केजी डालेंगे कम से कम, और हाइएस्ट जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 8 केजी उतना डालेंगे जी। अब यहाँ से प्रोग्रामिंग ऑन करते हैं, ऑन किए। अब ये आपका प्रोग्रामिंग पावर ऑन करने के बाद अब ये प्रोग्रामिंग बटन है, ये आ गया आपका नॉर्मल वाश, ये आ गया मिक्सिंग के लिए, ये आ गया आपका स्ट्रॉन्ग के लिए, ये आ गया क्विक वाश। क्विक वाश में देखेंगे आप ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है, स्टे रह गया, ये क्विक वाश में एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ जो टाइमिंग दिखा रहा है 15 मिनट का, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। अरे सब में कैसे, कौन नॉर्मल है? फिर हाँ, फिर इसको प्रेस करेंगे, अब ये आ गया जींस में, फिर आ गया ये आपका सॉफ्ट में। देखिए सॉफ्ट में आया तो ब्लिंकिंग कर रहा है आपका, अगर स्टे रहेगा तो ये समझिएगा मिक्स में, अगर ब्लिंकिंग कर रहा तो ये सॉफ्ट में। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर आ गया ये आपका हैवी में। आप सोचेंगे ये भी ब्लिंकिंग कर रहा, वो भी ब्लिंकिंग कर रहा, लेकिन ये नहीं है, इसमें हैवी में आपका, ठीक है। और फिर इसके बाद नॉर्मल में चले, नॉर्मल में चले, फिर डाउन करेंगे तो इसमें। हाँ, इसमें तो आप अगर प्रोग्रामिंग के हिसाब से धो रहे हैं तो आप डायरेक्टली आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट कर देंगे वो सब कुछ ऑटोमेटिक अपना काम करेगा। नहीं, प्रोग्राम फिक्स करने के बाद इसको स्टार्ट करना है। हाँ, इसको देने के बाद जैसे कपड़ा सरफ डाल दिए और यहाँ देख कर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, और कुछ नहीं करना है, बाकी सब ऑटोमेटिक काम करेगा। अगर फिर भी आपको अपना कपड़ा बाहर धो लिए हैं और इसमें सिर्फ सुखाना है, तो इसको यहाँ से ऑफ करेंगे, फिर दोबारा ऑन करेंगे जी। तो ओनली स्पिन का जो बटन है इसको प्रेस करेंगे। यहाँ आपका 7 मिनट दिखा रहा है, 9 मिनट दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा 12 मिनट। तो ये 12 मिनट जो है इसमें कुछ पानी आपका ड्रेन करेगा, उसके बाद फिर स्पिनिंग करना चालू कर देगा, स्टार्ट कर देंगे। जो हाथ से धोया जो कपड़ा है उसको आप सुखाना चाहते हैं तो इसमें आप कर सकते हैं, सुखा सकते हैं, ठीक है। उस टाइम इसको करके इसको करना है, इसको करके स्टार्ट कर देना है, कपड़ा आपका ड्राई कर देगा। ये हो गया। फिर आता है अब इसको हम, अब कपड़ा थोड़ा कम है मेरा, चलिए 3 केजी कपड़ा, लेकिन 3 केजी के हिसाब से अगर हम वाटर लेवल 8 देते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा पानी, ठीक है। तो अब क्या करना है, एक यहाँ पर आप वाटर लेवल देंगे, कपड़ा अपना अंदाजे लगा लेंगे, हाँ 3 वाटर लेवल देंगे तो आपका ठीक रहेगा। तो ये आपका देखिए यहाँ पर आपका जो रुका हुआ है ये 3 में, 3 है, ब्लिंक किया तो 4 में, फिर देखिए ये 5 में, फिर ब्लिंक किया तो ये 6 में, फिर ब्लिंक किया स्टे रह गया तो आपका 7 में, और ब्लिंक किया तो 8 में, यहाँ आपका 1 में, ठीक है, ये 2 में, ये 3 में, चलिए 3 में दिया यहाँ पर। अब इसके बाद आता है आपका वास का, वास आपको कितना देर के लिए वास करना चाहिए, कपड़ा ज़्यादा गंदा है तो 8 मिनट का टाइमिंग देंगे, इस तरह से इसको बढ़ाएंगे, अगर कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, कम है, तो आप 9 मिनट का टाइमिंग देंगे। ये आ गया रिंस के लिए, रिंस ये जैसे मान लिया वास में आपका पानी जो लिया, वास में पानी लेने के बाद उसका वास कर दिया, अब जो गंदा पानी वो ड्रेन हो जाएगा, ड्रेन होने के बाद वो सादा पानी जो लेगा, तो कितना बार सादा पानी लेके आपको खंगालना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, आपका सरफ जो डाल देते हैं आप, थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं आप, तो उससे क्या होता है, आप इसको थोड़ा बढ़ा देंगे आप, 3, फिर ये 4, 1 से लेके 4, 4 बार ये पानी लेके वो कपड़ा को खंगा लेगा। 4 बार, हाँ। तो उसमें क्या है कि उतना तो उतना करता नहीं आदमी, आप 2 या 3 दे देता है, 2 या 3 तक आदमी देता है, ठीक है। अगर एक बार देंगे तो सही से कपड़ा खंगाल नहीं पाएगा, फिर भी कपड़ा में आपका सरफ का चिपचिपापन वो रह जाएगा आपका, तो आपका जरूरी है कि आपको 3 बार आपको देना, 2 बार आपको देना, 2 से 3 बार। फिर आता है स्पिनिंग आपका, उसी बार उसी लिए हम एक बार सोचा, एक बार ना, एक बार खाली पानी मैंने खंगाल के बंद हो गया, और एक बार 2 बार की यहाँ पर आपका सिस्टम फिक्स किया हुआ, तो उसके हिसाब से ये पानी लेगा। फिर आता है कपड़ा ज़्यादा आपको ड्राइंग, मतलब गर्मी के टाइम है ज़्यादा आपको ड्राई नहीं चाहिए, तो आप 3 मिनट का भी दे सकते हैं, 5 मिनट का भी दे सकते हैं आप। अच्छा, ठीक है। मैंने सब बटन का कुछ फंक्शन है ना, सब बटन का एक एक फंक्शन है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो डायरेक्ट प्रोग्रामिंग देंगे और स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और डिले का ऑप्शन ऐसा है, जैसे अब आप कहीं जा रहे हैं, आने में आपको 1-2 घंटा लगेगा टाइमिंग, तो यहाँ से इसको आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा एक टाइमिंग दे देंगे और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे।
ठीक है, तो ये 3 घंटे में बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा आपका। और 3 घंटे के बाद स्टार्ट होगा? हाँ, और स्टार्ट होने के बाद लेकिन उस पर अगर तार लगा हुआ रहेगा और यहाँ आपका टाइमिंग दे देंगे तो आपका 3 घंटा बाद ठीक चालू होगा। आज जब आएंगे देखेंगे आपका मशीन आपका चल रहा है। तो ये डिले का ही टाइमिंग हो गया, डिले का मतलब 3 घंटे बाद स्टार्ट करना, ठीक है। और किसी किसी के मशीन में क्या लिखा था, डिले एंड लिखा रहता है। डिले एंड का मतलब होता है कि आपका वो अभी ये तो 1 से लेकर शुरू हुआ ना, किसी किसी मशीन में क्या किया 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, तो उसमें क्या कि 5 घंटा मशीन चलेगा, 5 घंटा मशीन चलेगा, ऐसा नहीं कि पूरा कंटिन्यू चलेगा। 1 घंटा में कुछ देर के लिए चला, आपका वाश चला, ड्रेन कर दिया, फिर स्टॉप हो गया, फिर कुछ देर चला, फिर आपका रिंस में गया, ऐसे करते हुए लंबा लंबा टाइम टानते हो जाएगा 5 घंटा में, और 5 घंटा में कंप्लीट करेगा। वो डिले एंड का ऑप्शन रहता है, लेकिन इसमें सिर्फ डिले लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 3 घंटे के बाद ही आपका मशीन स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। और कुछ डाउट इसमें आपको? अभी कैसे नॉर्मल में जाएंगे? अभी कैसे, आप तो वहाँ 3 सेटिंग करते हैं ना, अभी वो डिलीट हो गया क्या? वो हट गया, अभी हम यहाँ से पावर ऑफ किया ना, यहाँ से ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। अभी कुछ जोड़ना है आपको तो यहाँ से कुछ प्रोग्रामिंग देंगे नॉर्मल का, फिर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ये स्टार्ट करेंगे, ये पानी लेगा आपका, पानी ले रहा है। यहाँ पर फिल्टर है, इसको हर 3 महीने में एक बार आपको साफ करना है। कैसे निकालना है इसको? निकालना है क्या, इसको पकड़िए, यहाँ से इसको बंद कर देते हैं पानी को। अब इसको यहाँ से खोलेंगे, यहाँ देखिए यहाँ एक पास एक वाशर भी है, ये वाशर को भूल से कभी निकालेंगे नहीं, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। और यहाँ देखिए एक फिल्टर दिया हुआ है, ये है ये फिल्टर, ये फिल्टर को यहाँ पर मिट्टी या बारिश सब कुछ जमा हो जाएगा, तो उसको टूथब्रश उसको साफ करना है, साफ करके थोड़ा सा हैंडवाश का लिक्विड डालकर फिर उसको साफ करना है, साफ करके ये जो हैंडल दिया ये हैंडल से इसको पुश करना है। अच्छा, इसको उल्टा पुश कर देंगे तो ये पूरा सेट चेंज करना पड़ जाएगा, ये जल्दी निकलेगा नहीं, तो इसको इस तरह से पुश करेंगे। ठीक ठीक, उसमें छेदा है क्या? हाँ, बार बार छेदा है, जैसे चाय का चलनी से छेदा रहता है ना, बस वैसा ही छेदा है। ये जितना टाइट होगा उतना ही टाइट करेंगे, ज़्यादा कस के टाइट नहीं मारेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर खोलना आपको। ठीक है, अब ये कंप्लीट यहाँ पर। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे तक शेयर करें।